आज समारोह पूर्वक हुआ संपन्न। शहर के कुंडू बंगला रोड स्थित अग्रसेन भवन में सोमवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला शाखा की 25वीं जयंती सह रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेशिका अध्यक्ष अरुणा भगिनिया, उपाध्यक्ष मंजू बगड़िया, किरण मोहनकर शाखा के सदस्य सह उपाध्यक्ष रमा डालमिया व मधुपुर मारवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष पवन डालमिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रजत जयंती समारोह में प्रदेश के 18 शाखाओं से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। मधुपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी रश्मि रंजन को मधुपुर महिला मारवाड़ी समिति के सदस्यों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कोलकाता से आए विनायक ग्रुप के द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को खूब मनोरंजन कराया। मौके पर प्रदेशी अध्यक्ष अरुणा भगानिया ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा हमेशा से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, जिसमें रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, शिक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण, भ्रूण हत्या, ऊर्जा संरक्षण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। बुजुर्गों की सेवा आदि कार्य हमेशा से करते आए हैं। मौके पर किरण मोहन का, रमा डालमिया, मारवाड़ी पंचायत सचिव शिव कुमार बथवाल, रीना शर्मा, प्रिया अग्रवाल, सोनू मोहन का, श्वेता गुटगुटिया समेत मारवाड़ी पंचायत, मधुपुर युवा मंच, सुंदरकांड समिति, श्याम चक्की समिति, रानी शती समिति, गोपाल गोशाला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य मौजूद थे। आज इतना सुंदर संयोग है, आज का दिन गणेश चतुर्थी, हरितालिका जी, गणेश चतुर्थी जी, हरितालिका जी, मारवाड़ी महिला समिति मधुपुर शाखा की बहने सभागार में उपस्थित सभी हमारे अनुरोधवर्ग और हमारे सम्मानित सदस्य सभी का मैं आभार करती हूँ, सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस सम्मान के लायक बनाया। बधाई है मधुबन शाखा को कि आज 25वां साल और आज 25वीं रजत जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है, यहाँ पर मना रही है। बहुत ही सुंदर है, सब एक ही पोशाक में है, बहुत सुंदर एक ही का दो आदमी सभागार यहाँ बना हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँगी, हमारी अध्यक्षा, हमारी प्रादेशिक अध्यक्षा अन्ना जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जहाँ महिलाएं, जहाँ चार महिलाएं रहती हैं, वहाँ का संगठन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, जो आज देखने में यहाँ पे देखने के काबिल बना हुआ है। आगे भी हमारी महिलाएं और आगे बढ़ेंगी और ज़्यादा मजबूत होंगी और हम सब एक होकर काम करेंगे। हमारा नारा है हम एक काम आने, हमारा नारा हम एक काम आने को उत्ती चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो किया है और जो आगे हमने सोच रखा है उसको जरूर सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मैं बस यही कह सकती हूँ कि सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज, सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। नारी चहकती है तो धरा हिले, नारी चहकती है तो धरा हिले, नारी दहकती है तो धरा हिले, नारी दहकती है तो धरा हिले। धन्यवाद। प्रादेशिक उपाध्यक्ष मंजू बागड़िया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और दो शब्द बोले। मधुपुर शाखा की बहनों को जिन्होंने सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे किए और इसकी संस्थापक सागर जी को, क्योंकि सबसे कठिन काम मेरे अनुसार जो शाखा शुरू करते हैं उनका ही होता है। एक नई शाखा शुरू करना कोई मजाक की बात नहीं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पंचायत समिति के भाइयों को, देख के लग रहा है कि आप लोग हमारी महिला का बहनों का बहुत सहयोग करते रहे। धन्यवाद देती हूँ प्रेस के भाइयों का, प्रेस के बिना हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग जो कार्य करते हैं वो समाज तक यही लोग लेके आते हैं और ये लोग अपने अखबार में हमें करने से स्थान देते हैं जिससे हमारी समिति आगे बढ़ती है। तो प्रेस के भाइयों का धन्यवाद, अनुरोध की आगे भी अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और समिति को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें इतना मान सम्मान
इसके लिए बहुत धन्यवाद और शुभकामना देती हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और एक भाई भाई ने कहा था कि 25वां साल की आप लोग जल्दी मनाए और खूब खूब इससे आप लोग की सदस्य संख्या भी बहुत बढ़े, इस चीज की मैं भी शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। 25वां स्थापना दिवस, 25वां और इस शुभ अवसर पर मुझे तुलसी का यह पौधा देकर सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं मारवाड़ी पंचायत का आभारी, महिला समिति का आभारी हूँ। तुलसी का यह पौधा नहीं है, आम के पौधे होते हुए, कटहल के होते हुए, जामुन के होते हुए, लेकिन तुलसी का यह पौधा गुणों का भंडार है। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं होता। आज मैं इस तुलसी के पौधे को पाकर धन्य हो गया, आपको इसके लिए कोशिश बनाई। सभी उच्च पद पर आसीनों को मेरा अभिवादन। आज मैं एवं हमारी सहयोगी सभी बहनें कृतज्ञ हो गई है कि आप हमारे अतिथि को, आपने हमारे अतिथि को स्वीकार किया, यहाँ उपस्थित हो हमारा मान बढ़ाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मधुपुर शाखा के 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में यह आयोजित किया गया है। अब तक समिति द्वारा किए गए छोटे बड़े कार्यों की कुछ छवियां हॉल की चारों दिशाओं में दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही आज की विषम परिस्थितियों से निकलने एवं समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुछ लघु नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनकी प्रस्तुति में कोई चूक हो जाए तो हमें मैं क्षमा चाहूंगी। कार्यक्रम के अंत तक मैं आप सभी का साथ चाहूंगी। धन्यवाद। इस सम्मेलन में आज शामिल किया, बहुत बहुत आभार। और आज मैं आप लोगों को पहले तो बधाई देना चाहती हूँ। आज आप लोगों का बहुत खास फेस्टिवल है हरितालिका का तीज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति का आज 25वां आप लोगों का साल का पूरा हुआ है। हम इस तरह का शुभकामना लेते हैं कि भविष्य में ये जो आपका समिति है वो और आगे बढ़े, अगर और भी सभी दिशाओं में जो लोग आप काम कर रहे हैं, हम ये सब पोस्टर के थ्रू देख रहे हैं, काफ़ी सराहनीय प्रयास है, चाहे वो पर्यावरण की दिशा में हो, मानवता के क्षेत्र में हो। हम आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय महिला समिति इसी तरीके से दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस करे और नाम कमाए, 50वां और 100वां साल के रंग बनाए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और अंत में मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मारवाड़ी पंचायत की ओर से मारवाड़ी महिला समिति जो 1994 में करीब 1994 में इसका गठन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, इस समिति में 6 से 7 सदस्य थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शारदा मोहनका जी थी और 7 सदस्यों को लेकर इन्होंने इस समिति को स्टार्ट किया था। कहने का मतलब एक छोटे से पौधे के रूप में 1994 में यह समिति जन्म ली थी और आज यह एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। यह 25 वर्ष में समिति के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वह अपने आप में विशाल है। किसी भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में समिति के द्वारा बड़ा चढ़कर हिस्सा लिया जाना एक युवाओं के लिए और समाज के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मारवाड़ी महिला समिति, मारवाड़ी महिला समिति का जो कार्य है यह अपने आप में अनोखा है। समिति दिन पर दिन सदस्यों की संख्या बढ़ाती जा रही है, समाज की जो भी माताएं बहने हैं समिति से जुड़ती जा रही है, समिति के कार्य अपने आप में कार्य होते हैं, ये चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जन सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यह समिति पीछे नहीं रहती है। हम लोगों को
करेगा। मारवाड़ी महिला समिति यह समाज को लेकर एक दिन जो इन्होंने बनाया है, हम इन लोग से अनुरोध करेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या और आप बढ़ाए, संख्या और इसमें जोड़े, और जो हमारे समाज की माताएं बहनें छूट गई हैं उनको भी और जोड़े। बहुत से सदस्यों को आप लोगों ने जोड़ा है, बहुत सराहनीय कार्य है, और वो दिन दूर नहीं जो आप अपने आप में और बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और 50वां जो आपका स्थापना हमारी समिति आपका कार्यकाल का 25 वर्ष पूरा कर दी। मेरो लगाएड़ो वृक्ष आज इतनो पनप रहे कि आज मेरी बहना इतनो सुंदर प्रोग्राम थारा लोगों का सामना पेश कर रही। मैं उधर उपस्थित वीडियो साहब हमारी प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती अरुणा भगानिया जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू भगानिया जी, श्रीमती श्री किरण गोयलका, अंचल अध्यक्ष श्रीमती रमा डाकर, मधुपुर मारवाड़ी पंचायत मारवाड़ी युवा मंडल और हमारा सब अतिथियों को मैं अभिनंदन कर रही हूँ। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मधुपुर शाखा आज अपना रजत जयंती समारोह मना रही है, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी शाखा के मेंबरों को। विगत वर्षों में मधुपुर बहुत सुंदर कार्य करती आई है और उसकी हरदम सराहना करना चाहूँगी मैं कि संगठन हमें एक शक्ति है, तो संगठित होकर जब बहने कार्य करने निकलती हैं तो बहुत सुंदर कार्य करती है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि इतना सुंदर कार्य कर रही है कि हम लोग 501 मेंबर ले जाएंगे, तो मेरी आशा है कि आप लोग 501 का नंबर जरूर लाएंगे। हमारी आज विशेष अतिथि वीडियो जी रश्मि जी, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, वो आई हूँ यहाँ पर। और संस्थापक सदस्य शारदा जी आज हमारे बीच हमारे मारवाड़ी पंचायत के भाई भाई, युवा मंच के भाई भाई और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी का मैं साधुवाद करती हूँ और हमारी महिला समिति की सभी बहनों का भी स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मारवाड़ी महिला समिति अखिल भारतीय स्तर पर करीब 800 शाखाएं हैं हम लोग की और उस शाखाओं में अभी 2 दिन पहले 31 तारीख को उसमें से करीब 220 शाखाओं ने अंगदान के ऊपर रैली निकाली अखिल भारतीय स्तर पर, जिसमें हम लोगों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी शाखाओं में एक साथ लार्जेस्ट रैली ऑर्गेनाइज इन वन डे और इन होल ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड कायम किया है, तो सभी मधुपुर शाखा निकाल नहीं पाई कारण कि आयोजकों का आज प्रोग्राम था, तो दो दो प्रोग्राम एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आगे ये लोग ये कार्य बढ़ाएंगे और अंगदान पर जरूर काम करेंगे। हमारे 5 प्रकल्प हैं राष्ट्र के और 1 प्रकल्प मेरा है सर शिक्षा का। मैं सभी बहनों से यहाँ इस मंच से आह्वान करना चाहूँगी कि कम से कम एक बच्चे का अडॉप्ट करें और उसकी पढ़ाई का साल भर का खर्चा अपने उठाएं, एक साड़ी कम खरीदें और एक बच्चे की पढ़ाई का पैसा जमा करें, उतना ही लगता है पढ़ाई में 14-15 हज़ार रुपये में हो जाता है एक महीने की पढ़ाई, तो बहुत सारे बच्चे अभाव में रहते हैं। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीश
Thank you.
Yeah.
माना काम है ना, तब मारेगा जब हम यहाँ होंगे।
दुनिया सारी है माँ बहन बेटी
लगा रही हूँ, कितना 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 ल
ध्यान में दे दिया जाए, उसी से रिलेटेड एक छोटी सी प्रस्तुति। कोई भी बैंक इसमें सहयोग नहीं कर रही है अभी नहीं। बच्चे प्लीज शांति बनाए, मेरा समर्थन मैं कर दूंगा। के हो मिम्मी सब पढ़ कर कर, मेरे तो समझ में क्यों नहीं आवे। सारे लोगों को मन छोटी कर बैंक जाओ, अपने हाथों से अच्छा करो, फटाफट से खुद पढ़ाओ, वीडियो कॉलिंग पर बात करो। बिनी मन तो बहुत कर रहा है, बैंक जाऊं तो बोले सिग्नेचर कर आवे ही क्यों नहीं, तो अंगूठो लगाऊं तो हंसा अगल बगल में, पोता पोती है वीडियो कॉलिंग कर रहा है, फोन में बात कर रहा है, मन तो गलो ही कर रहा है। बिनी की मैं भी सीखू ले तो सिखा बैठू। बोलो सीखने की कोई उम्र होती है बस जब जाकर तब सीख। बहुत चुकी बात बिनी सीखा सीखू। तू के कर रही है बिनी? मिलो मारवाड़ी महिला समिति की ओर से बाल विकास केंद्र चलावा, जिमा बच्चा लोग ना योग करना सिखावा, कहीं साफ सफाई रखनो चाहिए उसका बारे में बतावा, सुबह शाम ब्रश करनो चाहिए उसका बारे में बतावा, अक्षर ज्ञान का बारे में बतावा। ये लोगों ने पता बोली के आपने प्रांतीय अध्यक्ष है ना उन्होंने सीओ को स्लोगन दिया है ईच वन टीच वन, हर व्यक्ति ने कम से कम एक महिला एक बच्चा एक बुजुर्ग से जरूर प्रहार हो जाए। आज आप आज एक बच्चा ना एक महिला ना जरूर पढ़ावा लिखावा उनका खर्चा बैठा यह तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज जितनी भी बहन आप लोग सब कोई बैठा हाथ उठाकर का प्रण लो और मत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, ये बहुत पुरानी कहावत है, बूढ़े होते हैं सब शिक्षक सिखाने वाले सही होते। तालियों से कृपया एक बार इनका प्रोत्साहन और इस बच्चे को वो छात्रवृत्ति उनकी अनुपस्थिति में। से हमारी नई सदस्य का गुटिया